एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। एलोरा केव्स औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है, जो कि 600-1000 सी अवधि से संबंधित है। एलोरा की सभी गुफाओं और स्मारकों का निर्माण हिंदू राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट वंश के समय के दौरान हुआ था, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं को बनाया था। यादव वंश के द्वारा जैन धर्म से संबंधित यहाँ की कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन स्मारकों के निर्माण के लिए धन को यहाँ के कई व्यापारियों और क्षेत्र के अमीरों व्यक्तियों से प्राप्त किया गया था। एलोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थयात्रियों के लिए शानदार विश्राम स्थल के रूप में जानी जाती है। एलोरा के नजदीक में ही विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा भी है, जो कि महाराष्ट्र की प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा देती है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित यह मंदिर एलोरा केव्स का अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहां की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। एलोरा गुफा में घूमने की जगह रावण की खाई यहां के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर और एलोरा गुफाओं के बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर गुफा 14 में है, जो कि गुफा 12 के नजदीक ही स्थित है। गुफा संख्या 13 से 29 में हिंदू धर्म से संबंधित सभी 17 गुफाएं हैं। यह गुफाएं हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रदर्शित करती है। गुफा 14, 15, 16, 21 और 29 कैलाश मंदिर के चारों तरफ फैली हुई है। रावण के रूप में जाने जाने वाली गुफा 14 सातवीं शताब्दी के दौरान इसे बौद्ध विहार से परिवर्तित किया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल विश्वकर्मा गुफा बस स्टॉप से 600 मीटर और कैलाश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की यह 10वीं गुफा है और यह गुफा 9 के नजदीक स्थित है। यह गुफा एलोरा की बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा गुफा को सुतार का झोपड़ा के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। सातवीं शताब्दी में निर्मित की गई गुफाओं में से यह एकमात्र है। गुफा के प्रांगण में भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। एलोरा में देखने लायक स्थान में दोताल गुफा एक आकर्षक पर्यटक स्थल, जो कि एलोरा बस स्टैंड और कैलाश मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। गुफा संख्या 11 गुफा संख्या 10 के ठीक बगल में स्थित है। यह गुफा एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाओं में से एक है। गुफा संख्या 11 के दो स्तर है और इसलिए इसे पहले दो ताल या दो मंजिला के रूप में जाना जाता है। 1876 ईस्वी में इस गुफा के एक तहखाने का स्तर खोजा गया है और यह कुल मंजिलों को 3 तक लाता है, लेकिन इसके बाद भी अभी इसका नाम दो ताल ही बना हुआ है। सन 1877 में आंशिक रूप से इसकी खुदाई की गई थी। एलोरा का दर्शनीय स्थल रामेश्वर गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ की एक लिंग के रूप पूजा अर्चना की गई थी। गुफा में एक मंच के ऊपर भोलेनाथ के लिंग के ठीक सामने नंदीव महाराज को स्थापित किया गया है। गुफा के अंदर एक आयत के आकार का एक गर्भागृह और मंडप बना हुआ है। देवी गंगा और देवी यमुना की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। एलोरा गुफा के नजदीक ही स्थित श्री भद्र मारुति मंदिर भगवान हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति का चित्रण सोने से किया गया है। मंदिर में पवन पुत्र हनुमान को विश्राम की अवस्था में देखा जा सकता है। यह मंदिर एलोरा केव्स लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर और औरंगजेब के मकबरे के पास स्थित है। एलोरा गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुल्दाबाद को संतों की घाटी या अनंत काल के निवास के रूप में भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी के दौरान इसे सूफी संतों ने अपने निवास स्थानों के रूप बनाया था। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।